फ्रेंड्स, अगर आप स्टेट बैंक का कस्टमर है और अभी तक योनो एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन नहीं किए, तो योनो एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड कीजिए और उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन भी कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसके ऊपर मेरा चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, आप देख लीजिए। अगर आपके पास एटीएम कार्ड है तो एटीएम कार्ड से आप घर बैठे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर एटीएम कार्ड नहीं है तो आपको एक बार ब्रांच विजिट करना होता है और उसके बाद आपका सारा जो काम है आप योनो एप्लीकेशन के मदद से घर बैठे कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के टाइम में किसी भी तरह का कोई दिक्कत होता है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम में भी आप मैसेज कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम आईडी आपको नीचे दिख जाएगा, उसमें आप फॉलो कीजिए, उसमें डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं किसी भी तरह का कोई दिक्कत अगर होता है। और फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि योनो एप्लीकेशन के मदद से आप कैसे फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसमें कितने तरीका है, कैसे हम कर सकते हैं, इसका लिमिट क्या होता है और बेनिफिशियरी जो भी होता है वो कैसे ऐड किया जाता है, उसका लिमिट जो है कैसे इंक्रीज होता है, कितने टाइम बाद बेनिफिशियरी एक्टिव होता है, इतना सारा जो भी आपका सवाल है, आपका जितने भी डाउट है, सारा डाउट इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूंगा। और मुझे ये वादा है आपसे, अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिएगा तो आपको इस टॉपिक पे दूसरा कोई वीडियो देखने का कोई ज़रूरत नहीं होगा। तो चलिए वीडियो देखते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और उसका साइड में जो बेल नोटिफिकेशन आइकन है उसको भी आप प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस चैनल पे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं योनो एप्लीकेशन के मदद से किस किस तरीके से आप फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसका लिमिट वगैरह सारा डिटेल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ले जाऊंगा मेरा मोबाइल स्क्रीन में, वहाँ पे योनो एप्लीकेशन में लॉगिन करूंगा और उसके बाद आपको सारा तरीका दिखाऊंगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आप इसको स्किप मत कीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में सारा चीज़ कवर करूंगा, छोटा से छोटा चीज़ भी कवर करूंगा ताकि इस वीडियो देखने के बाद योनो से फंड ट्रांसफ़र करने का टाइम पे आपका किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आ गया मेरा जो मोबाइल स्क्रीन है यहाँ पे, और अभी मैं योनो जो SBI ऐप है उसको ओपन करूँगा। देखिए, योनो SBI ऐप को मैं ओपन कर लिया, यहाँ पे ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद यहाँ पे मैं मेरा जो लॉगिन का MPIN है उस MPIN को यहाँ पे एंटर कर दूँगा और फिर मैं आपको दिखाऊँगा कि किस किस तरीके से आप योनो ऐप के मदद से फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इसका लिमिट वगैरह क्या है। तो देखिए, यहाँ पर मेरा योनो SBI ऐप ओपन हो चुका है। तो पहले जो भी इंटरफेस है, इस इंटरफेस तो आपको शायद पता होगा, इंटरफेस ऐसा ही होता है, दिखने में बहुत अच्छा है ये। और इसका जो होम पेज है, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शंस भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो पहले आपको देखिए, यहाँ पे ऊपर की तरफ योनो पे बोल के एक ऑप्शन आपको मिल जाता है, उस योनो पे में आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही योनो पे में क्लिक करेंगे, इस तरह से आपका एक पेमेंट का इंटरफेस आएगा और यहाँ पे बहुत सारा जो पेमेंट का तरीका है आपको दिखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे सारा जो प्रोसेस है पेमेंट्स का, सारा प्रोसेस के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और उसका जो भी लिमिट है उस लिमिट के बारे में बताऊंगा। तो पहले आपको लेफ्ट साइड में ऊपर देखने को मिल जाएगा क्विक ट्रांसफ़र, और यहाँ पे नीचे छोटा छोटा करके लिखा है अप टू 25,000 इंस्टेंटली। तो यहाँ पे आप देख के ही पता चल जाता है आपको कि क्विक ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है। आपको इंस्टेंट इसमें फंड ट्रांसफ़र हो जाता है और उसका पर डे जो लिमिट है वो 25,000 है, यानी आप एक दिन में 25,000 से ज़्यादा आप ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे और ये जो फंड ट्रांसफ़र है इंस्टेंट हो जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है स्टेट बैंक का जो योनो एप्लीकेशन है इसके अंदर। यहाँ पे आपको बेनिफिशियरी ऐड करने का भी ज़रूरत नहीं होगा, यहाँ पे SBI के अकाउंट में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं और आधार बैंक का जो अकाउंट है उसमें भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसमें आपका अकाउंट डिटेल्स, IFSC कोड वगैरह देने के बाद आपका फंड ट्रांसफ़र हो जाता है। अगर बेनिफिशियरी के पास जिसको आप फंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं उनके पास अगर MMID है तो मोबाइल नंबर से, यानी MMID से भी आप फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन इसका एक फ़ायदा भी है, वो है अगर आप किसी को SBI क्विक ट्रांसफ़र के मदद से फंड ट्रांसफ़र करते हैं तो उसका अकाउंट आपका योनो SBI में ऐड भी हो जाता है और नेक्स्ट डे अगर आप ट्रांसफ़र करेंगे तो आपको क्विक ट्रांसफ़र में नहीं जाना पड़ेगा। आपको बैंक अकाउंट्स डिटेल्स में जाने के बाद उसका जो बेनिफिशियरी डिटेल्स है, जो उसका अकाउंट डिटेल्स है, आपको दिख जाएगा, उसमें से भी आप फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये जो है, ये पहला जो ऑप्शन था मैं आपको उसके बारे में बताया। अगर क्विक ट्रांसफ़र के बारे में ज़्यादा आपको जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड है, मैं आई बटन में उसका लिंक भी दे दूँगा, आप उसको देख लीजिएगा।
ये एक सिंपल सा प्रोसेस है, इसमें आप फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी भी बैंक अकाउंट में। तो दूसरा तरीका मैं आपको बताऊंगा। दूसरा तरीका है, यहाँ पे उस साइड में देखिए बैंक अकाउंट बोल के एक मेनू आपको मिल जाता है, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है ट्रांसफ़र टू ओन अदर अकाउंट्स, यानी इसमें से आप खुद का अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और किसी दूसरे के अकाउंट में भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्लिक कर दूंगा। देखिए जैसे ही क्लिक किया यहाँ पे एक पेमेंट का जो नया पेज है वो खुल गया है और ऊपर आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। पहला ऑप्शन है अदर अकाउंट्स, यानी जो भी आपका अकाउंट नहीं है दूसरे का अकाउंट है उसमें आपको अदर अकाउंट में लिस्ट आएगा और नीचे आपको लिखा हुआ आएगा वन अकाउंट्स। अगर आप देखिए अदर अकाउंट्स में क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे मेरा बहुत सारा अकाउंट पहले से ऐड किया हुआ है, वो सारा जो बेनिफिशियरी में ऐड करके रखा उसके अकाउंट डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे ओन अकाउंट्स में आप क्लिक करेंगे तो आपका खुद का जो भी अकाउंट है जितने भी अकाउंट है आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपका इसमें से जिसका अकाउंट ऐड किया हुआ है उसका अकाउंट इसमें से किसी के अकाउंट में फंड ट्रांसफ़र करना है तो सिंपली उसको यहाँ पे चूज़ कर लेना है और यहाँ पे अमाउंट डालना है। और नीचे देखिए यहाँ पे रिमार्क्स देने का एक जगह है, उसमें रिमार्क्स डाल दीजिए, फिर नेक्स्ट करके ओटीपी डालने के बाद आपका फंड ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा होता है कि जिसको आपको फंड ट्रांसफ़र करना है उसका अकाउंट आपके पास ऐड किया हुआ नहीं है तो आप कैसे उसको फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं? तो उसके लिए आप SBI क्विक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप क्विक का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे नीचे देखिए पे ए न्यू बेनिफिशियरी बोल के आपका यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, उसमें क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग प्रोफाइल पासवर्ड, यानी आपके पास ट्रांजेक्शन पासवर्ड जो होता है जिसको प्रोफाइल पासवर्ड बोलता है, उस प्रोफाइल पासवर्ड को यहाँ पे एंटर कर दीजिए। यहाँ पे मैं प्रोफाइल पासवर्ड एंटर कर दिया, उसके बाद सबमिट बटन में क्लिक कर दूंगा। देखिए जैसे ही सबमिट बटन में क्लिक किया जो पहले का आपको SBI क्विक वाला ऑप्शन था पेमेंट वाला, वही स्क्रीन यहाँ पे दोबारा खुल गया। इसमें से आप फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसमें लिमिट क्या रहेगा, देखिए आप पहले बार जब भी फंड ट्रांसफ़र करेंगे तो उसका जो पर डे लिमिट होगा वो 25,000 होगा मैक्सिमम। यानी आप अगर आज आप 1 रुपीज़ ट्रांसफ़र कर देते हैं तो उसका अकाउंट आपका बेनिफिशियरी लिस्ट में ऐड हो जाएगा। और बेनिफिशियरी ऐड होने में टोटल 4 आवर्स आपको लगेगा। उस 4 आवर के बाद नेक्स्ट 4 डेज का जो लिमिट होगा वो टोटल मिला के आपका 1 लाख होगा। यानी अगर आप SBI क्विक के मदद से 25,000 किसी को ट्रांसफ़र कर देते हैं फर्स्ट डे, तो यानी नेक्स्ट 4 डेज का जो लिमिट है वो आपको 75,000 तक रहेगा। यानी टोटल मिला के आपको फर्स्ट 4 डेज में 1 लाख का लिमिट रहेगा। और उसके बाद जो भी 5th डे होगा उसमें से जो भी फंड ट्रांसफ़र लिमिट है उस लिमिट को इंक्रीज कर दिया जाएगा और वो 10 लाख तक पर अकाउंट हो जाएगा। तो ये एक सिंपल सा इन्फॉर्मेशन है, अगर आप इसको स्किप ना करके देख लीजिएगा तो आपको सारा प्रोसेस जो है सारा डिटेल्स जो है आपको याद रह जाएगा। तो पहला जो बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र का लिमिट है वो 25,000 है, उसके बाद फर्स्ट 4 डे के लिए ये 1 लाख टोटल है और आफ्टर दैट 10 लाख पर बेनिफिशियरी आपको हो जाता है। तो ये सेकेंड प्रोसेस था फंड ट्रांसफ़र। फ्रेंड्स यहाँ पे थर्ड जो पेमेंट का ऑप्शन है उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पे देखिए भीम UPI और नीचे लिखा हुआ है यूज़ UPI ID एंड QR। तो यानी तीसरा जो प्रोसेस है फंड ट्रांसफ़र का वो है भीम UPI। आप UPI की मदद से भी योनो SBI ऐप के मदद से फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही क्लिक कर दिया देखिए यहाँ पे इस तरह का एक मैसेज आया है, एक डिस्प्ले आया है, यहाँ पे दिख रहा है क्रिएट रिट्रीव UPI प्रोफाइल। इसका मतलब है अगर पहले से आपको SBI योनो ऐप में UPI ID क्रिएट नहीं है तो इस तरह का मैसेज डिस्प्ले आपको दिख जाएगा, इस तरह का एक पेज आपके सामने आ जाएगा। तो पहले बार आपको क्रिएट करना होगा UPI ID, और अगर पहले से आपका था आप उसे डीएक्टिव कर दिया तो दोबारा आपको रिट्रीव करना होगा। तो पहले अगर आपको भीम UPI ID क्रिएट करना नहीं आता है तो मेरा चैनल पे वीडियो पहले से अपडेट है, उसको आप देख लीजिए, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो ट्रांसफ़र लिमिट होता है वो क्या होता है, देखिए यहाँ पे ट्रांसफ़र लिमिट जो है फर्स्ट टाइम जो यूज़र्स होता है पहला दिन जो भी फंड ट्रांसफ़र करता है उसके लिए लिमिट 5,000 होता है।
यानी यूपीआई आईडी की मदद से आप एक दिन में फास्ट जो डे है उस डे में आप अप टू 5,000 ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद सेकेंड डे से आपका जो लिमिट है वो 1 लाख हो जाता है, टोटल जो यूपीआई ट्रांजेक्शन लिमिट है। तो पहले दिन आप अगर 1 रुपीज़ भी ट्रांसफ़र करते हैं तो नेक्स्ट डे आपका जो भी लिमिट है वो 1 लाख हो जाता है। तो 1 लाख बहुत अच्छा एक लिमिट है। इसके लिए आपको देखिए, यहाँ पे सिर्फ आप यूपीआई आईडी से ही फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्यूआर कोड से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अकाउंट डिटेल से भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ सबसे बढ़िया है, आपको किसी भी तरह का कोई बेनिफिशियरी भी यहाँ पे ऐड करना नहीं होता है। तो ये SBI योनो का भीम पे ऑप्शंस के बारे में आपको बता दिया सारा डिटेल्स। तो फ्रेंड्स, ये था सारा प्रोसेस, जो भी फंड ट्रांसफर का प्रोसेस है योनो SBI ऐप से। ये सारा डिटेल्स के ऊपर मेरा सेपरेट वीडियो है, अगर आप चाहते हो कि किसी सिर्फ भीम UPI की मदद से फंड ट्रांसफ़र कैसे करता है आपको सीखना है, इसके ऊपर भी वीडियो अवेलेबल है। बैंक अकाउंट का भी अवेलेबल है, SBI क्विक ट्रांसफ़र का भी अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको योनो के फंड ट्रांसफ़र से रिलेटेड जितना भी जानकारी मुझे पता था सारा जानकारी आपको दे दिया। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर मार दीजिएगा, और आपका फ्रेंड्स फैमिली जो भी है उनके साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपका सारा रिलेटिव और फ्रेंड्स के पास चला जाए। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद।